ढिंडोरी में भाजपा जिला अध्यक्ष के स्वागत कार्यक्रम में कांग्रेस समर्थित नगर परिषद अध्यक्ष व पार्षद की फोटो लगाए जाने पर बवाल मच गया। इस मामले में नगर परिषद परिसर में कांग्रेस नेता व उपयंत्री के बीच तनातनी का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। ढिंडोरी नगर परिषद के उपयंत्री अशोक दीक्षित से कांग्रेस नेता रमेश राजपाल व रुदेश परस्ते का एक तीखी तकरार वाला वीडियो देखने को मिला, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ढिंडोरी कांग्रेस जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ला का आरोप है कि जिला प्रशासन भाजपा में हो चुकी है, जिसका नमूना ढिंडोरी नगर में देखने को मिला। शुक्रवार की दोपहर भाजपा जिला अध्यक्ष अवधराज बिलैया के प्रथम नगर आगमन पर स्वागत रैली निकाली गई, जिसमें नगर परिषद के उपयंत्री द्वारा बैनर पोस्टर छपवाए गए। इस बैनर पोस्टर में कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष सुनीता सारस सहित कांग्रेसी पार्षदों की फोटो लगाई गई, जिस पर जिला कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए ढिंडोरी कोतवाली थाना क्षेत्र में लिखित शिकायत दर्ज करवाकर नगर परिषद के उपयंत्री अशोक दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बहुत ही दुख की बात है कि ढिंडोरी में जो जिला प्रशासन है वह पूरी तरह से भाजपामय हो चुका है, और जो भी आयोजन हो रहे हैं उन आयोजनों में कुछ शासकीय कार्यालयों के जो कर्मचारी हैं वह भाजपा के कार्यकर्ता बनकर कार्य कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आज हुआ कि ढिंडोरी में एक राजनीतिक दल के व्यक्ति का स्वागत का कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक उपयंत्री के द्वारा, नगर परिषद के उपयंत्री के द्वारा कांग्रेस नगर परिषद अध्यक्ष की फोटो और पार्षद जो हमारे कांग्रेस के उनके फोटो के साथ एक बैनर लगवा दिया और उसमें स्वागत की उन्होंने अपील की और उन्होंने स्वागत करने का फ्लैग जो है वो सार्वजनिक रूप से लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता के स्वागत के लिए कांग्रेस के हमारे जो अध्यक्ष हैं वो पार्षद हैं उनका फोटो लगाना ये आपत्तिजनक है। इस पर हमने उस पर आपत्ति दर्ज कराई है। नगर परिषद अध्यक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई है, पार्षद जो हमारे हैं उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है, और वह जो कर्मचारी है जो जिसने ये बैनरों को छपवाया है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसने सार्वजनिक रूप से कांग्रेस के नेताओं को और हमारे पदाधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया है। एक जनचर्चा लोगों के बीच पर आई, ना पार्षदों की कोई सहमति है ना अध्यक्ष की कोई सहमति है, व्यक्तिगत तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता को खुश करने के लिए, चापलूसी करने के लिए और किए हुए भ्रष्टाचारों को अपने छुपाने के लिए जो ये करते उन्होंने आज किया, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। जिला प्रशासन से मांग करते हैं ऐसे कर्मचारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और ऐसे जो लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं उन्हें निलंबित किया जाए। वहीं अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए नगर परिषद ढिंडोरी के उपयंत्री अशोक दीक्षित ने कहा है कि उनके द्वारा कोई बैनर नहीं बनवाया गया है। कोई बैनर लगाया गया है मुझे, मैंने तो देखा नहीं है। अब वो किसने लगवाया किसने बनवाया, वही लोग अनऑथराइज कह रहे हैं कि हमने टेप किया है, आपने बनवाया वो बनवाया, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी नगर पालिका के किसी भी कर्मचारी ने, ना मैंने ना सीएमओ ने और अन्य किसी कर्मचारी ने कोई किसी भी प्रकार का कोई बैनर नहीं बनवाया। पूर्णता अनुचित है इस तरह से किसी के ऑफिस में जाके धमकाना, पूर्णता गलत। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।